कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उतना। स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, इन्फिनिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि अगर इन्फिनिटी दिया रहेगा कॉन्सेप्ट में तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इन्फिनिटी में क्या रहेगा आपका, किस किस टाइप का हो सकता है ये देखिए। तो पहला जो ए होगा वो रहेगा वाई बराबर रूट अंडर आपका हो सकता है एक्स प्लस रूट अंडर क्या हो सकता है आपका एक्स प्लस रूट अंडर क्या हो सकता है एक्स। आई बहुत सारा रहेगा और कहाँ तक रहेगा आपका, इन्फिनिटी तक रहेगा। समझ गए कि नहीं, ये आपका आराम से रहेगा। दो टाइप का होगा, या तो आपका प्लस में दिया रहेगा बहर, या किस में रह सकता है, या आपका हो सकता है माइनस में। यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस डॉट डॉट क्या होगा इन्फिनिटी। यानी आपका दो टाइप से हो सकता है, या तो आपका प्लस में दिया रहेगा, नहीं तो किस में दिया रहेगा आपका माइनस में दिया रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें आपका, कि देखिए इसका शॉर्टकट रूल होता है कि एक्स बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाई है ना, तो वाई का ना वैल्यू पूछ रहा है, तो y बराबर कितना हो जाता है, y बराबर हो जाता है n प्लस वन। तो याद रखिए कि जब प्लस रहेगा तो n प्लस क्या हो जाएगा वन, यानी बड़ा वाला वैल्यू। और जब यहाँ से x बराबर क्या रहेगा आपका, यहाँ से अगर x बराबर n इंटू एन प्लस वन लिखेंगे तो इसमें वैल्यू y का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा वाला। ध्यान खाली यही रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो वैल्यू कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला। अगर माइनस रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला। तो अभी इससे कुछ पता नहीं चल रहा है आपका, लेकिन जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल एगो देख लेते हैं कि y बराबर रूट अंडर 12 है, फिर कितना है आपका रूट अंडर क्या है आपका 12 है प्लस इसी तरह डॉट डॉट क्या है आपका इन्फिनिटी है, तीन चार पचास भी रह सकता है। समझ गए, अब इसमें भी ले लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 और माइनस इसी तरह से क्या होगा आपका, ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना आपका। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे कि जब ये मेरा वैल्यू दिया रहेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, x का वैल्यू कितना है 12 है कि नहीं, तो 12 को हम लोग क्या लिखना है, जो जैसे इसको 3 लिखे तो चढ़ती आई, तो 3 इंटू 4 भी तो हो सकता है। तो देखिए ये n का वैल्यू कितना हो गया 3 और 4 मतलब कि n n प्लस 1 तो 3 प्लस 1 कितना है 4। अब इसको हम लोग 12 को लिख सकते हैं ना 6 इंटू 2 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। तो क्या n n प्लस 1 है, n n प्लस 1 है, तो ये दोनों फॉर्मेट क्या है आपका, गलत है। यानी फॉर्मेट में आपको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या रहेगा आपका, छोटा रहेगा, उसके बाद ये क्या रहेगा n प्लस 1 रहेगा। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 और 1 ये क्या हो जाएगा 4, तो प्लस है तो वैल्यू 3 होगा कि 4 होगा। जब प्लस रहता है तो वैल्यू कौन लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं। यानी वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, वाई का मान कितना हो जाएगा 4। सॉल्व करने का जरूरत है इतना बड़ा को नहीं। यही माइनस है तो आपका एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका 12, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। माइनस रहेगा तो वाई का वैल्यू कौन हो जाएगा आपका, छोटा वाला हो जाएगा कि नहीं आपका। समझ गए कि नहीं, ये सब प्रूफ करके भी दिखाएंगे अभी कैसे होगा, पहले आप समझ जाइए नॉर्मली, ठीक है ना। चलिए आप ही से पूछते हैं एक और क्वेश्चन। y बराबर दे दिए हैं आपका 3, फिर कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर y बराबर आपका क्या दे दिए हैं आपका, कितना हो गया आपका 3 प्लस 3 माइनस लेते हैं माइनस 3 माइनस 3। आप चलिए आप ही लोग बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा, y का मान कितना होगा जी आपको बताइए, 2 होगा। कैसे y का वैल्यू 2 कैसे होगा जी आपका, छोटी कितना होगा, अरे अरे 12 जो रहा था ओकरा से ही छोटे ना है ये वैल्यू, ये 3 है, ये बोल रही है कि आपका 9 होगा आंसर। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया मेरा 3, जैसे x का वैल्यू 12 था तो उसी तरह x का वैल्यू कितना हो गया 3। और इसको हमको लिखना है n इंटू एन प्लस 1, तो सोचते हैं 1 एक का प्लस क्या हो जाएगा 1, 2, तो 2 इज टू 1, 2 ही ना आएगा।
मान लीजिए आपका दो सोचिएगा, दो और एक जोड़ देना है तो तीन, तो कितना हो जाएगा, तीन इंटू दो छ होगा। यस सर, फिर बोल रहे हैं आप लोग, तीन इंटू छ है यहाँ पे, सिक्स है आपका, नहीं ना होगा। यानी ये किसके लिए है, जब आपका फैक्टराइजेशन बैठ जाए एन इंटू एन प्लस वन पे, नहीं बैठेगा तो इस रूल से बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि बेसिक भी जानिए और आपका ऐसे भी जानिए, जैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे प्लस रहेगा ना तो वाई आपका वन प्लस रूट अंडर वन प्लस फोर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला है आपका यहाँ से। लेकिन ये फॉर्मूला को अभी प्रूफ करेंगे तब आपको पता चलेगा, इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। और x का वैल्यू कितना हो गया, तीन हो गया कि नहीं आपका, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे काम होता है इसमें। तो देखिए प्रूफ आपका सबसे पहले यहाँ से कर देते हैं, आपका पहला कर रहे हैं आपका। देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, जब बोलेंगे ना तब आपका लिखिएगा, क्योंकि अभी ऐसे ही ना बताए हैं, अभी तो ऐसे ही नॉर्मली बताया है आपका, जब प्रूफ करेंगे तब आपका लिखिएगा। देखिए तो प्रूफ कर रहे हैं आपका पहला और दूसरा दोनों। देखिए यहाँ से ये आपका रिपीटेशन है कि नहीं आपका, तो मान लीजिए कि ये वैल्यू वाई का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो मान लीजिए इन्फिनिटी यहाँ पे क्या है आपका, पानी है, समुद्र है। अगर समुद्र में गए और 10-20 लोटा आपका पानी निकाल लीजिए, मान लीजिए कि आपको 10 ट्रक निकाल लीजिए, क्या आपको जितना मन है उतना निकाल लीजिए, तो क्या समुद्र से उसको आप नदी बना दीजिएगा, गंगा जी बना दीजिएगा। अच्छा, गंगा जी में से ही पूरा पानी निकाल लिए आपका, जितना मन करे उतना निकालिए, तो क्या वो नदी से आपका पोखर बन जाएगा, नहीं ना बनेगा जी। यानी वो सब इन्फिनिटी है, तो जो इन्फिनिटी रहता है तो उसमें से आपका वैल्यू चेंज और ना उसका नाम चेंज होता है, नहीं कुछ होगा चेंज। अब आप ही सोचिए कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एगो रूट को हटा देंगे, तो रूट को हटा देंगे तो इतना बचा ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, वाई बराबर नहीं हो गया रूट एक्स, रूट एक्स पता चलेगा कि रूट हटा है, नहीं ना। यानी जहाँ इन्फिनिटी रहता है उसका नाम चेंज नहीं होता है। यानी पहला को छोड़ के और बाकी को हम लोग क्या मान लेते हैं, किसका वैल्यू है, जो आपका पहले दिया रहेगा उसी का वैल्यू हो गया, समझ गए ना आपका। तो वाई बराबर कितना हो गया आपका, एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका वाई। अब रूट है तो इसको क्या करते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो गया ना। फिर ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई स्क्वायर माइनस एक सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो। ये आपको बचपन में पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक वाला, वो आ गया कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, एक्स बराबर कितना होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है फोर ए सी या भाई क्या होता है टू होता है ना। तो आपको पता है ना कि स्क्वायर के जो बगल में रहेगा वो किसका वैल्यू रहेगा, ए का रहेगा ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, तो चेंज हो गया ना। यानी ये फॉर्मेट क्या हो गया आपका, ये फॉर्मेट हो गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो गया जीरो। तो यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा कि नहीं, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस फोर ए सी या वाई कितना हो जाएगा टू। यहाँ पे टू और क्या हो जाता है ए, और यहाँ भी टू और क्या हो जाता है ए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ भी टू ए हो गया और यहाँ भी क्या हो गया टू ए। तो देखिए वाई स्क्वायर के आगे कुछ है तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपका, ए का वैल्यू कितना हो गया वन हो गया। फिर आप ही देखिए वाई के आगे क्या है आपका बी है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका माइनस वन होगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो गया कि नहीं। अब रख देते हैं तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, आप ही देखिए माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस वन हो गया प्लस माइनस, तो रूट के अंदर जनरली निगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या लेते हैं आपका पॉजिटिव लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन,
माइनस फोर ए और क्या हो जाएगा इंटू सी होगा कि नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा चार इंटू एक इंटू एक्स, तो चार एक्स होगा कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे कितना हो गया आपका फोर एक्स हो गया कि नहीं बाई टू ए, और ए का वैल्यू कितना है वन, तो देखिए यही फॉर्मूला आपको बताया है कि नहीं कि आपका कितना हो जाएगा वाई बराबर कितना हो गया आपका वन प्लस रूट अंडर वन प्लस फोर एक्स बाई टू, ये आपका सब में लग जाएगा, ये सब में लग जाएगा है कि नहीं आपका। अब इसी में आपका यहाँ पे हम क्या करते हैं y बराबर रूट अंडर क्या रखते हैं आपका 12 प्लस रूट अंडर कितना हो गया आपका 12 प्लस रूट अंडर कितना हो गया आपका 12 प्लस प्लस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा ना यहाँ से। तो आप एक बार सोच के देखिए कि जब ऐसा ये वैल्यू है आपका यहाँ से ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसके आधार पर आराम से काम हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखिए इसको तो पता है कि आपका y का वैल्यू कितना आता है, सॉल्व किए थे तो आप लोग y का वैल्यू इसका कितना आया था चरतियाई 12 यानी 4 आया था, 12 वाला लेते हैं आपका इससे सॉल्व करते हैं तो क्या मेरा आता है कि नहीं ये चेक करते हैं, तो x का वैल्यू कितना है आपका 12 तो रख के चेक करें तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कितना हो जाएगा जी आपका 4:12, तब बरचो कितना हो जाएगा 48 और भाई क्या हो जाएगा 2, तो देखिए 48 और एक क्या हो गया 49 और 49 का कितना होता है 7 और 7 और एक कितना हो गया 8, 8 बाई 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया कि नहीं, तो 8 बाई 2 कितना हो गया 4, देखिए शॉर्टकट से भी बनाए थे तो वही आया था, अभी भी बनाए तो क्या आया वही आया कि नहीं, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ मेरा फैक्टराइज नहीं होगा कौन सा लगाएंगे ये वाला रूल लगाएंगे, यानी हमको ये ध्यान रखना है कि y बराबर प्लस रहेगा तो कितना हो जाता है 1 प्लस बोलिए रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा 4x, अब y कितना हो जाएगा जी आपका 2, ए वाला मत रखिएगा सिर्फ 2 होता है, अब माइनस वाला मिलेंगे तो सेम रूल जाएगा कि नहीं आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक पे छोड़ के और बाकी क्या कर देंगे आपका y मान लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर x माइनस क्या हो जाएगा आपका x माइनस कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा यहाँ से। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका x माइनस क्या हो जाएगा आपका y नहीं, अब ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा प्लस y या माइनस x बराबर कितना हो गया 0, a का वैल्यू कितना होगा तो y स्क्वायर के वैल्यू आगे रहता है 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना हो गया माइनस x, तो y बराबर कितना होता है माइनस b होगा ना जी यहाँ पे माइनस b, तो माइनस 1 और प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा b स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस 4x भाई कितना हो जाएगा 2, खाली क्या ध्यान रखना है कि माइनस रहेगा तो 1 के आगे हम लोग क्या लगा देंगे आपका 1 के आगे हम लोग लगा देंगे आपका माइनस, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। और जहाँ प्लस रहेगा तो सारा वैल्यू किस में होगा प्लस में होगा, समझे कि नहीं। अब देख लेते हैं कि एग्जांपल इसमें हम लोग क्या लिए थे कि y बराबर रूट अंडर कितना लिए थे आपका, रूट अंडर लिए थे कि 12 माइनस 12 माइनस 12 और क्या था आपका माइनस माइनस इन्फिनिटी, x का वैल्यू तो 12 है तो इसी में ना बैठाना है, तो देखिए माइनस 1 प्लस रूट अंडर 12, तो देखिए 1 प्लस 12 इंटू 4 कितना 48 आया, अब भाई 2 48 और एक 49, 49 का कितना 7 और 7 में से एक जगह कितना 6 बाई 2 कितना हो गया 3, देखिए इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आपका, समझ गए कि नहीं, तो आप लोग लिख लीजिए इसको।